हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन 3 करेंगे, जो पेज नंबर 29 पे दिया गया। एडजस्टमेंट में थोड़ा करेक्शन है। अगर बुक का आंसर आप सोचोगे कि सर वहाँ पर तो टेक्स्ट बुक में कुछ अलग ही आंसर दिया है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा। क्या बोल रहे, क्लोजिंग स्टॉक, पहला एडजस्टमेंट तो सिंपल ही है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया है, 88,000। ये अपना क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया। और मार्केट प्राइस कितना दिया है, 90,000 दिया है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है, 88 कम होता है 90, ऑफ कोर्स 88 क्या आता है, कम होता है। और क्लोजिंग स्टॉक के टू इफेक्ट्स आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। अभी यहाँ पर जो अपना सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, रुचा और जूली विड्रॉ कितना करे गुड्स, यहाँ पर एक आपको वर्ड यूज करना है, गुड्स फॉर अ बिजनेस 2000 किसका है, रुचि का और जूली का कितना है 2000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। एक बात बताओ, पर्सनल यूज आए तो क्या आता है, ड्रॉइंग। पर्सनल यूज आएगा तो क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग ऑलवेज क्या रहता है, आप सभी को पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर पीसी का मतलब क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। और आप सभी को पता है ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्यों क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और कहाँ आ जाएगा, ड्रॉइंग कहाँ आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, रुचि में कितना लिखोगे, डेबिट साइड में 3000, और जूली में कितना लिखोगे 3000। और यहाँ पर सिक्स वाला में भी थोड़ा ज़्यादा करेक्शन है, यहाँ पर क्या बोल रहे, गुड्स विड्रॉ 6000 वेर गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वेर परचेस कर रहे हैं, एंड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको और भी डालना है, एंड सेल ऑन क्रेडिट नो एंट्री वॉज फाउंड, मतलब उसका एंट्री क्या किया हमने, पास किया नहीं, मतलब गुड्स तुम परचेस कर रहे हो और सेल्स भी करो, उसका एंट्री पास किया नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं, क्लियर। अनरिकॉर्डेड क्या हो गया, ये परचेस हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड क्या हो गया, मेरे लिए ये सेल्स हो गया। अनरिकॉर्डेड परचेज आए तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड किस में हो जाएगा, परचेज में हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड परचेज आए तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन किस में हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। और अनरिकॉर्डेड सेल्स आए तो उसकी भी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा, ऐड किस में हो जाएगा, ऐड इन क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। कितना सेल्स में ऐड करना है, 6000 दोनों में भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परचेज और सेल्स हमने लिखा। अभी तुम बोलोगे सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि बुक में क्वेश्चन आपको आंसर उस हिसाब से दिया, इसके लिए क्वेश्चन भी आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड परचेज आए तो परचेज किया है तो ऐड किस में हो जाएगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर में भी क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। आप सभी को पता है क्रेडिटर कहाँ रहता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। और सेल्स किया तो क्या आ जाएगा, ऐड किस में हो जाएगा, ऐड इन डेटर हो जाएगा, क्लियर। ऐड इन क्या करना है मुझे, डेटर में क्या करना है, ऐड करना है। डोंट वरी, ये सारी बातें मैं आपको वापस एक क्वेश्चन में बताऊंगा, तो चलो फ्रेंड मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहे, रुचा एंड जूलिया आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। अगर कैपिटल रेशियो बोले तो यहाँ पर देखो कैपिटल कितना दिया गया, 80,000 40,000, मतलब यहाँ पर 0,0 कट तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इसको और कैंसिल कर सकते हो क्या, 4 1 4 4 2 कितना, 4 2 8, तो अपना रेशियो क्या मिला, 2:1 मिला, क्लियर। अपना रेशो क्या आ गया, मतलब 2 अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया, 1 अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया अपना रेशो। और यहाँ पर क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट बोला है, तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एक पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बता दिया इन द बुक्स ऑफ जूलिया। यहाँ पर क्या आ जाए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, क्यों 19 लिखा, यहाँ पर देखो ना ट्रायल बैलेंस क्या दिया है, 2019 दिया गया यहाँ पर, तो 2019 सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट लिखना है। यहाँ पर बैलेंस शीट बना दिया, थर्ड पेज पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल आएगा, जैसे दो लाइन में आएगा, पर्टिकुलर रुचा जूलिया, पर्टिकुलर रुचा जूलिया, डेबिट क्रेडिट करके आपको लिखना होगा। तो वेरी फर्स्ट एक काम करते, ये सारी चीज़ों को क्या करते, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देते कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा, क्लियर। तो वेरी फर्स्ट इस सारी चीज़ों को क्या करते, आइडेंटिफाई करते, तो यहाँ पर चलो वेरी फर्स्ट क्या दिया है, परचेज। आप सभी को पता है परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो TD लिख दूँ यहाँ पर। देखो अभी ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, ट्रेड एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेजेस, स्टार्टिंग वर्ड क्या है, वेजेस, तो वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, TD। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में ही जाएगा। और देखो एडवर्टाइजमेंट को स्टार कर दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है 2 ईयर्स। एक बात बताओ, साल में हमें कितने साल का पे करना होता है, 1 ईयर का, पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स दिया है, तो 2 ईयर्स में लिख दूँ।
और स्टार कर दूँ, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, हमें एडवर्टाइजमेंट मतलब एक साल का क्या कर दिया, प्रीपेड, प्रीपेड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा, लेस फ्रॉम क्या लिखूँ, सेल्स लिख दूँ, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा, ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मोटर वैन कहाँ जाएगा, असेट्स ना, एक बात बताओ आपके पास मोटर है आपके लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ, स्टॉक ये कौन सा स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर मैं लिखूँ ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या आता है, परचेज आता है, जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा, कोल गैस फ्यूल कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, असेट साइड पे जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको सारा ये समझ में आ गया रहेगा, ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, सेम एज डेबिट की चीज़ें, डेबिट में क्रेडिट की चीज़ें सारी कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पर जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये आरडीडी कौन सा आरडीडी दिया, ओल्ड आरडीडी, मतलब बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या होगा, लेस होगा, पर यहाँ पर कहाँ पर बैड डेब्ट्स दिया ही नहीं, डोंट वरी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेटली यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेज हो जाएगा, क्लियर है, लेस फ्रॉम क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, परचेज हो जाएगा, तो परचेज को क्या कर दूँ मैं, स्टार कर दूँ, स्टार मतलब परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये सेल्स रिटर्न भी यहाँ पर था देखो, तो सेल्स को भी क्या कर दूँ, स्टार, मतलब स्टार रहेगा तो कितना लाइन छोड़ना है, तीन लाइन छोड़ के आउटर में, इनर में अमाउंट लिखना है। अभी आगे एडजस्टमेंट देखते हैं, कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट में काफ़ी सारा मतलब बोले ना प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह हो चुके, उन्होंने भूल गए हो। क्लोजिंग स्टॉक इज अ वैल्यू डेट कितना दिया, 88,000 कॉस्ट प्राइस, और मार्केट प्राइस कितना दिया है, 90। क्लोजिंग स्टॉक क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है, 88, तो 88 आएगा, मार्केट प्राइस आएगा नहीं। और क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आती है, बैलेंस शीट की असेट साइड आती है, क्लियर है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कॉस्ट प्राइस मार्केट पर विच एवर इज लेस होता है, और एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड पर जाएगा। आगे क्या बोल रहे, रूचा एंड जूलिया विड्रॉ गुड्स, यहाँ पर वो लोग गुड्स लिखना भूल गए, तो आप लोग गुड्स लिखना, विड्रॉ गुड्स फॉर अ बिजनेस कितने का, 3,000 का, 2,000 का, रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्सनल यूज। देखो गुड्स विड्रॉ कर रहे तो उसकी इफेक्ट क्या रहेगी, यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट की बात करूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल, पीसी का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्लियर है। क्यों, एक इफेक्ट क्रेडिट तो दूसरा क्या होता है, डेबिट होता है। अगर विड्रॉ कर रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पर चला जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, बाय गुड्स विड्रॉ फॉर प्रो पर्सनल यूजर, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, ड्रॉइंग अकाउंट लिखेगा हम। आगे मैं करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, मतलब इन दोनों एडजस्ट में किसी को भी स्टार आएगा नहीं, यहाँ पर स्टार आएगा डेप्रिशिएशन, मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%, तो मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी को स्टार कर दूँ, तो यहाँ पर देखो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर दिया है एंड में दिया है, और मोटर वैन आपको यहाँ पर दिया है, तो उसको क्या कर दूँ, स्टार, स्टार किया मतलब तीन लाइन क्या करना है, छोड़ना। और डेप्रिशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा, क्लियर है, लेस फ्रॉम किस में से, असेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब क्रिएट 5% ऑन डेटर, मतलब 5% क्या करना है, क्रिएटेड, मतलब डेटर में से क्या होगा, 5% लेस हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में आ जाएगा। तो एक काम करूँ खाली अभी फिलहाल के लिए, सन्ड्री डेटर, मतलब यहाँ पर आपको डेटर कहाँ दिया गया है मेरे को, तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, डेटर को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, तो ये रहा सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर को क्या कर दूँ, या मैंने स्टार कर दिया, इनर में लिखना है उसका अमाउंट, और तीन लाइन छोड़ना है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, तो एक काम करूँ वेजेस को भी क्या कर दूँ, स्टार, आउटस्टैंडिंग एड होता है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, देखो वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस को क्या करूँ, स्टार। आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, एड होता है, आउटस्टैंडिंग एड किस में हो जाएगा, एक्सपेंस में, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आ जाता है, क्लियर है। क्यों लाइबिलिटी, क्योंकि पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी। अभी सिक्स एडजस्टमेंट में भी काफ़ी एकदम ट्विस्ट, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह दिख जाएगा। गुड्स ऑफ रुपीज़ 6,000 वेयर परचेज,
ऑन क्रेडिट बट नॉट एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब गुड्स परचेस किया तो उसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेस, तो उसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेस बोला जाएगा, क्लियर। अगर गुड्स सेल किया उसके रिकॉर्ड नहीं किया तो उसे क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स बोला जाएगा। मैं इतनी गंदी हैंड राइटिंग में इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये एडजस्टमेंट में आपको बता दिया। अनरिकॉर्डेड परचेज आए तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, एड इन परचेज, एड किस में होगा, एड इन परचेज में, और परचेज कहाँ रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड होता है। और अनरिकॉर्डेड सेल्स का फर्स्ट इफेक्ट क्या रहता है, एड किस में होता है, एड इन सेल्स हो जाता है, और सेल्स कहाँ रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रहता है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड पर रहता है। और सेकेंड इफेक्ट देखो, परचेस किया तो किस में आता है, एड ही किस में करना पड़ेगा, क्रेडिटर में, एड इन क्रेडिटर, और क्रेडिटर कहाँ रहता है, लाइबिलिटी साइड पे होता है। और सेम एज अ सेल किया तो किस में आता है, एड इन किस में आ जाएगा, डेटर में आ जाएगा, और सेकेंड इट डेटर कहाँ रहता है, असेट साइड पे रहता है, क्लियर है। अनरिकॉर्डेड परचेज आए तो क्या होगा, एड इन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड होता है, और एड किस में हो जाएगा, क्रेडिटर। तो सेम है यहाँ पर देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 6000 वर्थ परचेज ऑन क्रेडिट बट नॉट एंट्री फाउंड, तो एंट्री क्या रहेगा, एड ही परचेज में हो जाएगा, और एड किस में हो जाएगा, क्रेडिटर में हो जाएगा। तो परचेज को क्या करूँ, एक और स्टार, मतलब परचेज को कितने स्टार हो गए, दो स्टार, मतलब कितना लाइन छोड़ना है, पाँच लाइन। सेम एज अ क्रेडिटर को भी क्या करूँ, एक स्टार कर दूँ, मतलब क्रेडिटर को भी स्टार हो गया। सेम एज यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर एक और आप सेवन करके लेके, गुड्स वर्थ रुपीज 6000, अभी यहाँ पर क्या आएगा, परचेज अभी क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए जैसा इन्होंने यहाँ पर भाई साहब लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, तो वैसा यहाँ पर करके बताने के लिए यहाँ पर क्या आना पड़ेगा, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 क्या करेगा, यहाँ पर परचेज होगा, इसका नाम आ जाएगा सेल्स, और नॉट एंट्री मेड इन अ फाउंड ऑफ बुक्स, तो क्या रहेगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी, मतलब यहाँ पर परचेज एंड क्या लिख दो आप, सेल्स लिख दो, परचेज एंड सेल, मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज भी और अनरिकॉर्डेड क्या है, सेल्स भी है, उसका एंट्री क्या रहेगा, एड इन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, और एड इन क्या रहेगा अपने लिए, डेटर रहेगा। तो एड इन किस में स्टार कर दूँ, सेल्स को दो स्टार हो गए, मतलब कितना लाइन, पांच लाइन, और सन्ड्री डेटर, तो डेटर को देखो एक स्टार था, मतलब दो स्टार, मतलब कितने लाइन छोड़ने, पांच लाइन छोड़ने हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करो आपने भी क्या कर दिया रहेगा, फॉर्मेट बना लिया रहेगा। तो एक काम करते हैं, चलो हम वन बाय वन सारी एंट्री पास करते हैं। वेरी फर्स्ट परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर क्या लिखूँ, टू परचेज, पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, तो एक लाइन छोड़ के क्या लिखूँ यहाँ पर, टू मैं क्या लिखूँ, परचेज क्या करूँ, लिखो कितना दिया गया है मुझे, 48000 दिया गया है। और देखो दो स्टार है तो कितना लाइन आएगा, पांच लाइन क्या करूँ मैं, छोड़ दूँ। आगे क्या बोल रहे, ट्रेड एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, टू मैट क्या लिखूँ, ट्रेड एक्सपेंस क्या करूँ, लिखो क्लियर है, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस आ जाएगा। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। सैलरीज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, टू क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, सैलरीज क्या लिखूँ, अमाउंट कितना दिया गया है, 4500। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वेजिस एंड सैलरी कहाँ जाएगा, वे पहला स्टार्टिंग वर्ड क्या है, वेजिस, और आप पीछे देखोगे तो आउटस्टैंडिंग क्या था, वेजिस, तो किसको स्टार था, वेजिस को स्टार है, सैलरी को स्टार नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड वेजिस एंड सैलरी कितना दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेड एक्सपेंस के नीचे ही क्या लिख दूँ यहाँ पर, टू मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, वेजिस एंड क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, सैलरीज में क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर है। और कितना दिया गया यहाँ पर, 2800 रुपीज़ दिया गया, तो इनर में आएगा, और क्या करो, तीन लाइन क्या करो, छोड़ दो। आगे क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट टू ईयर्स, तो एडवर्टाइजमेंट को स्टार है, तो टू यहाँ पर क्या लिखूँ, एडवर्टाइजमेंट, क्लियर है। कितना दिया गया एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट, 4000 दिया गया है, और ब्रैकेट में कितने हजार का है, टू ईयर्स का है। अगर ये हिडन एडजस्टमेंट है तो इसको क्या करो, तीन लाइन क्या कर दूँ मैं यहाँ पर, ड्रॉप कर दूँ। आगे क्या दिया है यहाँ पर, सेल्स रिटर्न, तो आपको पता है सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम सेल्स, तो अभी सेल्स आएगा तब तक का वेट मत करो, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, पहले बाय सेल्स लिखूँ, लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल्स रिटर्न मैं क्या करूँ लिख दूँ, लेस क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, और सेल्स जब भी आएगा तभी देखा जाएगा। अभी सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है, 8000 दिया गया, तो यहाँ पर कितना लिखूँ मैं, 8000 रुपीज़ लिखूँ। आगे क्या बोल रहे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो असेट साइड पे यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मैं क्या करूँ लिख दूँ, तो वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ, फ्री होल्ड क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, प्रॉपर्टी मैं क्या करूँ लिखूँ। अमाउंट कितना दिया गया है, 23000 दिया गया है। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर टू क्या आ जाएगा, ऑफिस रेंट आ जाएगा, क्लियर है। अमाउंट कितना दिया गया है मेरे लिए,
5000 रुपीज़ दिया गया, तो 5000 रुपीज़ डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। मोटर वैन कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो स्टार है, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, मोटर वैन अमाउंट कितना दिया गया है मेरे लिए 40,000, स्टार है तो कहाँ जाएगा, इनर में आ जाएगा। तीन लाइन क्या करो, छोड़ दो स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक देखो, हमने एक लाइन छोड़ के ही रखा था ओपनिंग स्टॉक के लिए, तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लियर। ओपनिंग क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, स्टॉक लिखूँ, और अमाउंट कितना दिया है देखो, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कहाँ गया, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 89,500, तो आउटर में कितना आ जाएगा, 89,500 रुपीज़ आ जाएगा। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ऑफिस रेंट को स्टार नहीं है तो उसके नीचे डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखोगे आप, जनरल एक्सपेंस क्या करो, लिख दो, क्लियर है। तो यहाँ पर जनरल एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया गया है, 2,500 रुपीज़ दिया गया है। और सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो देखो मोटर वैन के नीचे तीन लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, सन्ड्री डेटर लिखो, क्लियर है। सन्ड्री डेटर और DRY सन्ड्री डेटर, तो अमाउंट कितना दिया गया है सन्ड्री डेटर का, 62,000 मुझे दिया गया है, तो 62,000। और क्या कर रहा है देखो, तीन दो स्टार है तो कितने लाइन आ जाएगा, पाँच लाइन क्या करूँ, छोड़ दूँ। कोल गैस फ्यूल कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजिस एंड सैलरी को स्टार है तो तीन लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर, कोल गैस और क्या दिया गया है मुझे, फ्यूल दिया गया है, क्लियर। और अमाउंट कितना दिया गया है, 1000 डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। उसके नीचे ही क्या आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 800 रुपीज़ मुझे दिया गया है। सेम एज अ कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। और अमाउंट कितना दिया गया है, 1300 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। और सेम एज अ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर के नीचे ही डायरेक्ट मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी में क्या करूँ, लिखूँ यहाँ पर प्लांट एंड क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया पर, 13,800 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज यहाँ पर कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, ब्रॉड डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना दिया गया है, 80,000, और कितना दिया गया है, 40,000 दिया गया है, तो 80 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सेम एज अ सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर, लाइबिलिटी में थोड़ा लाइन छोड़ के हम लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूँ सन्ड्री क्रेडिटर, और देखो क्रेडिटर को स्टार है तो कितना लाइन छोड़ना है, यहाँ पर तीन लाइन क्या करना है, छोड़ना है। और अमाउंट कहाँ जाएगा, इनर में आ जाएगा। सेम एज अ सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, देखो सेल्स का अमाउंट कितना दिया गया, 1,48,000, और देखो ये 808,000 क्या करना है, माइनस करना है, तो आउटर में कितना आ जाएगा, 1,40,000, देखो आउटर में नहीं आएगा, सॉरी देखो सेल्स को कितने स्टार है, दो स्टार, तो क्या करना पड़ेगा, ये 1,40,000 क्या लिखूँ मैं, इनर में ही लिखूँ, क्यों अभी एक और एडजस्टमेंट करना बाकी है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, RDD, तो मैंने बताया था RDD के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैड डेट्स का पूरा क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो बैड डेट्स दिया नहीं गया, तो यहाँ पर मैं पूरा फार्मूला, बैड डेट्स का फार्मूला क्या है, टू बैड डेट्स ऐड क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेट्स ऐड क्या हो जाता है, न्यू बैड डेट्स ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यू RDD। अभी आप फार्मूला पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर मैं तो ज़रा पूरा प्रोफेशनल जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड RDD, और ओल्ड RDD का अमाउंट कितना दिया गया है मेरे को, 1200 दिया गया है, तो ओल्ड RDD कितना आ गया, 1200 रुपीज़ आ गया। और इसको क्या करूँ, ब्रैकेट, मतलब मुझे क्या करना है, ये माइनस करना है, अगर ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। और देखो बिल्स पेबल, अब इसका तुम बोलोगे सर बैड डेट्स दिया नहीं गया तो क्या लिखना है, हमें नील लिख देना है बस। बिल्स पेबल भी कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखूँ, तीन लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बिल्स पेबल लिखूँ, तो यहाँ आ जाएगा बिल्स पेबल आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 12,000 रुपीज़ दिया गया है। सेम एज अ परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज में से लेस हो जाएगा, तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न आ जाएगा, तो लेस यहाँ पर क्या आ गया, परचेज रिटर्न आ गया। अमाउंट कितना दिया गया है, 6,000, तो 48 में से 6 क्या कितना बचता है, 42,000 बचता है। जैसे आप देखोगे सारा मैंने क्या कर दिया, एकदम फटाक से क्विकली ट्रांसफ़र किया, ऑलमोस्ट 5 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए, तो मैंने सारा आपको फटाक से ट्रांसफ़र कर दिया। अभी बारी आई एडजस्टमेंट की, तो चलो फ्रेंड एडजस्टमेंट भी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हिडन एडजस्टमेंट से करते हैं, क्या पूरे एडवर्टाइजमेंट का कितना दिया है, 2 ईयर्स, मतलब ये 2 साल का है, तो 1 साल का हमने क्या कर दिया प्रीपेड, 2 साल का कितना है 4,000, तो 1 साल का क्या रहेगा, 2,000 रुपया।
तो लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रीपेड हो जाएगा। एक बात बता, आउटस्टैंडिंग एड होता है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर लिखूँ मैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया है, ये कितने साल का, 1 ईयर का क्या कर रहे हैं हम, प्रीपेड कर रहे हैं। और 2 साल का कितना दिया गया बेटा, 4,000, तो 1 साल का कितना हुआ रहेगा, 2,000, क्या करूँ लेस कर दूँ, तो आउटर में कितना आ जाएगा, 2,000 आएगा। और प्रीपेड कहाँ पर आता है बेटा, असेट साइड में आता है। प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है, तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इनर में आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर क्या करूँ, 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिखूँ, क्या आ जाएगा, प्रीपेड यहाँ पर क्या लिखूँ, एडवर्टाइजमेंट लिखूँ, कितना ऐसा हल्का है, 2,000 रुपये आ जाएगा, क्लियर आउटर में। अभी यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हुई, तो कौन डोंट वरी, यहाँ पर खाली 2 पेंसिल से क्या करो, आप अंडरलाइन करो, इनफ है, फिर ज़्यादा इसको एकदम करना नहीं है कि चलेगा, ठीक है। और गलती इंसान से ही होती है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या आती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो बैलेंस शीट असेट साइड में मैं यहाँ पर लिखूँ क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना है, 88,000 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 88,000 आ जाएगा। सेम एज अ सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। देखो ये इसको स्टार है, तो और 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या करूँ लिखूँ, अमाउंट कितना दिया गया है, 88,000 मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 88,000 आएगा। दोनों तरफ अमाउंट क्या रहना चाहिए, सेम, यहाँ पर 88 लिखा फिर यहाँ पर 90 लिखा, ऐसा नहीं, दोनों का अमाउंट सेम 88 ही रहना चाहिए। आगे क्या बोल रहे, रुचा एंड जूलिया, जूलिया विड्रॉ गुड्स फॉर बिजनेस 2,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल, यहाँ पर गुड्स ऐड करना, तो उसकी फर्स्ट इफेक्ट जैसा मैंने आपको बताया था कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय क्या लिखोगे यहाँ पर, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पर क्या जाएगा, गुड्स विड्रॉ फॉर किसके लिए, ये पर्सनल यूज के लिए है, क्लियर है, पर्सनल यूज लिखो, गुड्स विड्रॉ फॉर बिजनेस लिखो तो भी चलेगा। तो पहले यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रुचा, उसके नीचे किसका नाम आ जाएगा, जूली, कितना आ जाएगा ये, इसका 3,000 है, इसका कितना है 2,000, तो कितना आ जाएगा आउटर में, 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट आ जाएगा, इसमें कितना है 3,000 और जूली में कितना है 2,000 है, क्लियर है, तो 2,000 और 3,000 आ जाएगा। जैसे आपको एडजस्टमेंट अच्छे से आता रहेगा तो आप कोई भी चीज़ इजीली कर सकोगे। डेप्रिशिएशन मोटर वैन कितना बोल रहे, 5%, तो मोटर वैन का कितना निकालना है, 5% निकालना है, तो यहाँ से लेस क्या हो जाएगा, लेस डेप्रिशिएशन, तो यहाँ पर लेस क्या लिखूँ, डेप्रिशिएशन एट द रेट कितना है, 5% है, तो ये 40,000 का कितना निकालूँ, 5%, तो 5/100 कितना गया, 100 कैंसिल, 4 2 4 5 कितना होता है 20, और कितना 0 बचा 2, तो 2,000 माइनस करो तो 40 में से 2 गया, कितना बचता है 38,000 बचता है। आगे क्या बोल रहे हैं, मशीनरी के बारे में क्या बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी का कितना बोल रहे हैं, 7%, तो इसका कितना निकालना है आपको, 7% निकालना है, तो यहाँ से भी लेस डेप्रिशिएशन एक द रेट कितना लिखूँ यहाँ पर, 7% में क्या करूँ लिखूँ, तो ये 13,800 मल्टीप्लाई बाई 7/100 कितना आ जाएगा, 100, 0 गया, 7 8 कितना होता है 56, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 5 ऊपर, 7 3 21 प्लस की 6 वापिस से 6 आ जाएगा, 7 1 7, और 2 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 1996 आ जाएगा, क्लियर, अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये 13,800 माइनस 966 माइनस करना है, तो आउटर में आ जाएगा 12,834 अपना आंसर आएगा। और डेप्रिशिएशन कहाँ आता है, यहाँ से लेस किया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, पार्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, 2 यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, डेप्रिशिएशन, पहला किसका डेप्रिशिएशन था यहाँ पर, मोटर वैन, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर वैन, और मोटर वैन का कितना था 2,000, सेम ऐसा सेकेंड किसका था यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, प्लांट एंड मशीनरी में लिखूँ, तो सेकेंड कहाँ पर आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का कितना था, 966 था, क्लियर है, राइट, तो दोनों को ऐड करो तो 2,966 अपना आउटर में आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट 5% ऑन डेटर। एक बात बताओ, ये एडजस्टमेंट करने के पहले पहला कौन सा आता है, 6 वाला एडजस्टमेंट, तो उसके बाद क्या करेंगे, 4 वाला, क्यों, डेटर में सब कुछ एड लेस होने के बाद ही क्या लेस होता है, आरडीडी, मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, लेस होता है, तो पहले ये वाला कर देते,
उसके बाद ये फाइव वाला पहले कर दे। चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी में क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ 800, तो ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट कितना दिया गया है 800, मुझे क्या करना है ऐड करना है, तो आउटर में कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, क्लियर है। 8 का कितना होता है 1616, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखूँ मैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखूँ, आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा मेरे लिए, क्लियर। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिखूँ, वेजेस लिखूँ, अमाउंट कितना दिया गया है 800 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 800 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर 800 रुपीज़ आप लिख देना, 800 दिया है तो 800 यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस आप लिखोगे। आगे क्या बोल रहे, मैंने बताया था ये वाला, इसके बाद क्या होगा फोर्थ वाला, गुड्स वर्थ ₹600,000 परचेज एंड सेल्स नॉट फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इसका क्या रहेगा, अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड परचेज क्या होगा, एड इन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और सेल्स क्या होगा, एड इन सेल्स। तो पहले अनरिकॉर्डेड परचेज का एंट्री क्या रहेगा, एड इन परचेज, और एड इन क्या रहेगा, क्रेडिटर। तो वेरी फर्स्ट पे परचेज में क्या कर दूँ ऐड, आप जरा वो परचेज और सेल्स ऐड कर देना, यहाँ पर ऐड क्या रहेगा अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेज, तो ऐड क्या आ जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेज, कितना ऐड करना है मेरे को 6000 रुपीज़ क्या करना है ऐड करना है, तो 42 में 6 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, आउटर में 48 हो जाएगा, मतलब ऐड किस में हो गया, परचेज में ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, एड इन क्रेडिटर, वहाँ पर भी क्या रहेगा अनरिकॉर्डेड परचेज, तो क्रेडिटर में भी मैं क्या कर दूँ ऐड कर दूँ, ऐड क्या लिखूँ अनरिकॉर्डेड परचेज लिखो, क्लियर है। अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्या आ जाएगा यहाँ पर परचेज में क्या करूँ लिखूँ, अमाउंट कितना दिया गया 6000 मुझे दिया गया, 22 प्लस 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 28000 आ जाएगा, मतलब दो इफेक्ट मैंने क्या कर दिया। अगर बुक में परचेज दिया, अभी सेल्स हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्यों, बुक का आंसर आपको चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एंड सेल्स, मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज हुआ साथ में क्या रहेगा अनरिकॉर्ड, नो एंट्री का मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री क्या रहेगा एड इन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, तो सेल्स में मैं क्या लिखूँ ऐड कर दूँ, ऐड क्या लिखूँ अनरिकॉर्डेड क्या लिखूँ सेल्स, अनरिकॉर्डेड क्या लिखूँ यहाँ पर मैं सेल्स लिखूँ, अमाउंट कितना दिया गया है 6000, दोनों का अमाउंट सेम ही है 6000, तो 42 प्लस 6 कितना आ जाएगा 1,46,000 हो जाएगा, सेम एज अ। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा एड इन डेटर, तो डेटर में भी ऐड कर दो, ऐड क्या लिखूँ अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अनरिकॉर्डेड कोडेड क्या लिखूँ यहाँ पर मैं सेल्स, कितना आ जाएगा 6000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। तो 42 प्लस 6 करेंगे तो 68000 मेरा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। मतलब ये एंट्री मैंने पास कर दी, ऐड अन एड इन सेल्स, एड इन क्या हो जाएगा डेटर हो जाएगा। अभी आगे देखोगे तो सम क्या बोल रहे, मतलब ये आप रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना बोल रहे 5% क्रिएटेड, तो डेटर में से कितना निकालना है 5% निकालना है, तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा RDD एट द रेट कितना है यहाँ पर 5% दिया गया है, तो 68000 का कितना निकालना है मुझे 5%, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100, 00 कट हो जाएगा 500 हो जाएगा, 58000 कितना होता है 40, तो वापस से एक ज़ीरो आ जाएगा, 56000 कितना होता है 30, और कितना बचा 4, तो कितना आ जाएगा 34000, मतलब 3400 रुपीज़ क्या करना है मुझे माइनस करना है, क्लियर है। देखो ना 8 by 40, तो 4 बचा ना ऊपर, 4 और 5 = 30 प्लस 34 आ गया, तो 68000 में से 3004 अगर माइनस करोगे तो आउटर में कितना आ जाएगा 64000 एक करेंगे तो 600 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगर आप करेंगे तो 64000, अगर देखो करके बताओ ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बुक में आंसर रॉन्ग दिया गया है, ये 7 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, तो बुक में आंसर अगर देखोगे तो 64000 आपको 500 मिलेगा, अपने यहाँ पर कितना आ जाएगा 64600 रुपीज़ आपको आंसर मिलेगा। डेटर में से क्या होगा RDD लेस हो गया, आउटर में कितना आ गया 64600 आ गया, मतलब यहाँ पर देखो कितना है 3004, ये क्या है RDD का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ चला जाएगा डेबिट में, देखो यहाँ पर न्यू RDD कितना आया 3000 कितना आया मेरे लिए 3400 रुपीज़ आया, तो यहाँ पर लिख दूँ। अभी देखो बैड डेट्स भी दिया नहीं गया है, तो क्या लिखूँ नील, अभी 3400 प्लस जीरो करेंगे तो कितना आएगा 3400 माइनस 1200 करेंगे तो ये 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 2000 कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर मेरे को।
अभी देखो आप चाहो तो इतना ही खाली लिखो तो भी चलेगा, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा प्रॉपरली आपको अच्छे से दिखा दिया, सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, सारे एडजस्टमेंट भी हो गए, बारी आई टैली की। तो टैली स्टार्ट करते समय आपके हाथ में क्या रहना चाहिए, पेंसिल। तो चलो फ्रेंड टैली स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड हम टैली करेंगे तो अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 2,39,000 आ जाएगा, और सेम एज अ डेबिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,45,900 आ जाएगा। अभी तुम बचाओ 2,39,000 ज़्यादा है 1,45,000, ऑफकोर्स 2,00,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पर एंड में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2,39,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,39,000 आ जाएगा। अभी 2,39,000 में से कितना माइनस करना है, 1,45,900 अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 93,100 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा, और इसको नाम क्या देना है, 2 क्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैरीड डाउन हो जाएगा। ये क्या आया, कैरीड डाउन, तो इसको ही क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ब्रॉड डाउन लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन कितना आया था, 93,100 रुपीस आ जाएगा। सेम एज अगर इस साइड का टोटल करेंगे तो ये 2,93,000 यहाँ पर एक ही, अगर ये सारे का अगर आप टोटल करोगे तो मुझे पता है इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको आप भी करो आपको आंसर आ जाएगा 20,460 आपको आंसर आ जाएगा, 466। तो ऑफकोर्स आपके लिए कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो एंड में आपको कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 93,100 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा आपको, 93,100 रुपीज़ आ जाएगा, 93,100। अभी माइनस कितना करना है, ये 20,666 करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 72,634 आपको आंसर आएगा, और इसको नाम क्या देना है, 2 नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, कैरीड डाउन, क्लियर है। और सेम एज ये कौन से दो पार्टनर में जाएगा अपने पास, कौन सा है, रुचा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूं यहाँ पर मैं, जूलिया कैपिटल अकाउंट, जूली कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर इसका कैपिटल निकाले के, तो अगर स्टार्टिंग में ही अगर देखोगे आप सब, तो रेशियो देखो कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो हमने फाइंड किया था क्या है, 3:1, मतलब 2/3 कितना हो जाएगा, 3/1/3 हो जाएगा, तो इसका कितना आया था 2/3, इसका कितना आया था 1/3 आ गया था। अभी मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, ये 72,634, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 72,634 आ जाएगा। अगर आप इसका करोगे तो इसका अगर रेशियो वाइज अगर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 2 / 5 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48,423 आ जाएगा। इसका भी करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं इसको तो मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 24,211 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है, 24,211 आपको आंसर आ जाएगा। अभी क्या करना है, यही सेम टोटल कहाँ जाएगा, ये डेबिट में आया तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट क्या लिखोगे, यहाँ पर ब्रॉड डाउन लिखोगे, क्लियर है। इसका कितना आया था मेरे लिए, तो 48,423 आ गया था, और इसका कितना आया था, 24,211 आ गया था। अगर इस सबका टोटल करूँगा फटाक से तो ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1,28,423, और इसका करेंगे तो 64,211 आ जाएगा। सेम ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000, सेम एज यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64,211 आ जाएगा। सेम एज अगर आप माइनस करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1,25,423 आ जाएगा, यहाँ पर 62,211 आ जाएगा। इसको नाम क्या दिया था, बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 बैलेंस क्या रहेगा, कैरिड डाउन रहेगा। सेम एज यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वेरी फर्स्ट आपको कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, पहले कौन सा अपने पास रुचा है, उसके बाद कौन सा है, जूलिया है, क्लियर है। यहाँ पर कितना आया था, 1,25,423, यहाँ पर कितना है, 62,000 मेरे लिए 211 है। अगर इस सबका ऐड करूँ तो कितना आएगा, 1,87,634 आ जाएगा। सेम एज इसका अगर एंड में अगर आप टैली करोगे तो आपको, मैं थोड़ा स्पीड इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास MB ख़त्म हो चुकी है, 2,28,434, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,28,434 अपना आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे, बुक का आंसर भी टैली हो गया अपन, थोड़ा इसमें करेक्शन वगैरह तो आप कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।